बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन और मैं हमारे लोगों को हमारे एमएलए सामने कहा तुम भी एमएलए नहीं बनते थे प्रमाणिकता से स्वीकार करें हमारे बिंदर जिले में निजाम की भी असेंबली थी विफल फार्टी सेवन बिंदर से दो लोग भी चुनकर जाते थे दो चुनकर का अधिकार था एक बिंदर का देशपांडे एक भारती का फेसबुक इनको छोड़कर किसको ने राजी किए वोटिंग पावर नहीं था इलेक्शन को ठहरा करने के लिए पात्रता नहीं थी बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बनते द्वारा इस देश का भिखारी हो राष्ट्रपति हो उनको वोटिंग पावर होना चुनकर आना बोल के भी परिवर्तन बाबा साहब ने कर दिया घोड़ी मारी लिंगायत लिंगायत यार मेरे साथ तब के मैं इतिहास हो रही धर्म की गरज गरीब को बसवस करके जमाने में धर्म लिंगा स्वीकार करने वाले ब्राह्मण नहीं थे मारवाड़ी नहीं थे शुरू का सला माधव संगा दौर थे वही लोग आज 800 साल चले जाने से तुम हम एक ही धर्म के हैं एक ही खून के हैं एक ही जात के हैं जात बताता है अब अशोक साहित्य बताता है ये पहले तो 800 साल क्या हो गया तो मुझे क्या करना है अंतिम हमार को आए बाबा साहब से हुआर इंडियंस फर्स्ट इंडियंस लास्ट इंडियंस हमको जातीयता मिटाना है जाति को निर्मल करना है भ्रष्टाचार को निर्मल करना है आज प्राइम मिनिस्टर प्रमाणिकता से बोल रहे हैं ये यदि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान नहीं लिखते तो ये नरेंद्र मोदी चार बेचता था देश का प्रधानमंत्री नहीं बनता ये फैक्ट है चाहे यहां से बोलो दुनिया को तो अब ये फैक्ट भी है वो बैकवर्ड है मछली पकड़ने वाला है क्या वो हद तक पहुंच सकता था जितने से बन सकता था इतना बड़ा उपकार बाबा साहब ने 33 करोड़ भगवानों ने किसी की उपकार नहीं करे सो एक उदाहरण हम आपको बता 33 करोड़ भगवान हरे किसकी पूजा करना उम्र 60-70 साल रह गया मैं तो वाला फैमिली प्लानिंग के बाद हैदराबाद में इस देश के नागरिकों को फैमिली प्लानिंग करने के बजाय हिंदू समाज के 33 करोड़ भगवानों को फैमिली प्लानिंग करना सबके एक उदाहरण बोल दिया मैं चार धर्म के पंडित तीन धर्म के पंडित हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सूर्य से शाम तक